हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। जैसे कि आप सब लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा कि आज हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपना प्रीपोजिशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप सब लोग अपने डेली यूजेस में इन, ऑन, ओवर, अबव, फॉर, जस्ट लाइक दिस, आप कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जब आप कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप ऐसे ही कुछ प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। बस कभी कभी हम कहीं कहीं कुछ जगहों पर गलत प्रीपोजिशन यूज़ कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है। खास करके एग्ज़ाम्स में अक्सर कभी कभी गलती, छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। आज हम लोग इसको क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा प्रीपोजिशन किस केस में कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। पहले थोड़े से रूल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अ वर्ड विच शोज़ द रिलेशन ऑफ अ नाउन, अ वर्ड विच शोज़ द रिलेशन ऑफ अ नाउन प्रोनाउन with another noun pronoun in a sentence। कहने का मतलब है, जब कोई शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम का रिश्ता या रिलेशन किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से दिखाता है उस सेंटेंस में, तब हम वहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। एट मतलब पर, ठीक है। अब आप कहेंगे ऑन मतलब भी पर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ सेंस की बात हो रही है। रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द स्कूल गेट, गेट के ऊपर तो वो खड़ा नहीं होगा, गेट के ऊपर नहीं ना खड़ा होगा, गेट पर खड़ा होगा। जिसे लोग कहते हैं दरवाजे पर कोई है, समवन एट द डोर कहते हैं ना, ये नहीं कहते हैं समवन ऑन द डोर, नहीं, दरवाजा। यहाँ पर का सेंस एट से है, ठीक है। रमेश खड़ा है स्कूल के दरवाजे पर, गेट पर। लोग कहते हैं ना समवन इज एट द डोर, वही चीज़ है कि रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। यहाँ पर ऑन नहीं लगेगा, ऑन का मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, जब सतह पर कोई चीज़ हो। ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर कुछ है तो ऑन लगेगा, ठीक है। आगे देखें, अब यहाँ है आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर, मैं अपने दोस्तों के लिए वेट कर रहा हूँ। फॉर का सेंस आता है के लिए, लेकिन यहाँ दोस्तों का होगा, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पर सेंस आएगा, दो निकलता है, फॉर का दो सेंस आता है। जैसे एट का दो सेंस आया, वैसे ही जैसे पर का दो सेंस आया एट और ऑन, वैसे ही फॉर हिंदी में दो सेंस के लिए होगा, के लिए और का, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश हिंदी मिक्स करेंगे, तो मैं अपने दोस्तों के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब रूल्स देखते हैं। जब कुछ डिफाइन होगा डे के माध्यम से, समय के माध्यम से, महीने के माध्यम से, साल के माध्यम से, स्थान लोकेशन के माध्यम से, या दिनांक के माध्यम से, ठीक है, तारीख के माध्यम से। जैसे कि लिखा है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा। अब कब कहाँ कैसे मिलना है उसके बारे में देख लेते हैं, कि कब कहाँ कैसे के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशंस लगेंगे। जैसे कि लिखा है आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा ऑन 15 अगस्त को मिलूँगा, या 2020 में मिलूँगा, या फिर दिसंबर में मिलूँगा, या फिर 9 बजे रात में मिलूँगा, या फिर कनॉट प्लेस पर मिलूँगा, या फिर संडे को मिलूँगा। अगर डे के लिए है
ठीक है, डे दिन कौन से दिन मिलूंगा तो ऑन, मैं तुमसे दिन में कौन से दिन मिलूंगा तो ऑन, मैं तुमसे टाइम कौन सा टाइम मतलब 2020 में मिलूंगा 22 में मिलूंगा टाइम आप उसको दे रहे हो तो आप इन लगाओगे। जब आप महीना डिफाइन करोगे कि मैं इस महीने में मिलूंगा या मैं इस महीने में आऊंगा तो आप लिखोगे इन, ठीक है। टाइम दोगे किस समय पर मिलोगे, रिमेंबर इट, किस समय पर मिलोगे तो आप एट लगाओगे, किस स्थान पर मिलोगे तो आप एट लगाओगे, ठीक है, और दिन किस दिन पे मिलोगे तो आप वहाँ पर ऑन लगाओगे, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। अब आपका रूल आता है सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर आता है डेथ। डेथ दो वजह से है, एक एक्सीडेंट, दूसरा डिसीज़, ठीक है। तो अगर आप कोई डिसीज़ की वजह से उसकी डेथ होती है तो वहाँ पर ऑफ लगेगा, अगर वहाँ पर बाय एक्सीडेंट कुछ होता है तो वहाँ पर इन लगेगा, ठीक है। यहाँ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, वेपन, विद, जब आप कोई औजार, कोई वाद्य यंत्र, कोई हथियार यूज़ करते हैं तो उसके में किस कौन से सेंस में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो वो एग्जांपल में देखिए। जब आप बोलते हैं कट द एप्पल विद अ नाइफ, आप कोई वेपन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हथियार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चाकू हथियार के सेंस में। जब आप कट द एप्पल बोलेंगे विद अ नाइफ यूज़ करेंगे, विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, वेपन विद अ नाइफ। ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपास, टूल, तो आप वहाँ पर विद लगाएंगे, विद, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम यहीं होती है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया ऑन जब भी यूज़ होता है तो सरफेस यानी कि सतह के सेंस में यूज़ होता है, सरफेस, सतह, ठीक है। ये टेबल की सतह है, उस पर ये गमला रखा हुआ है, टेबल की सतह पर ये गमला रखा हुआ है, इस वजह से यहाँ ऑन लगा है, ठीक है। अब वो गेट पर खड़ा था तो गेट पर खड़ा नहीं रहेगा ना, वो गेट पर नहीं ना खड़ा रहेगा, वो गेट के पास या आगे पीछे कहीं खड़ा रहेगा पर गेट पर नहीं खड़ा रहेगा, मतलब गेट के ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ गमला सतह के ऊपर रखा है, इस वजह से यहाँ ऑन लगा है ना कि एट लगा है, ठीक है। यहाँ सरफेस है, ये सतह है टेबल की, अगर वो गेट नीचे गिरा होता और उसके ऊपर खड़ा होता तब वो गेट की सतह पर ऊपर खड़ा होता तब वहाँ ऑन लगता, लेकिन वो गेट लगा ही हुआ है और वो गेट के आगे पीछे आजू बाजू कहीं खड़ा है, इस वजह से वहाँ पर एट लगा है, समझ में आया। यहाँ पर गमला टेबल की सतह पर रखा है, ये टेबल की सतह है, उसके ऊपर गमला रखा है, इस वजह से यहाँ पर ऑन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये स्लीपर्स टेबल के नीचे रखे हैं, टेबल के नीचे हैं, इसलिए अंडर लगा है, ठीक है। जब कोई चीज़ सतह पर रहेगी किसी चीज़ के तो आप ऑन यूज़ करेंगे, जब कोई चीज़ सतह के नीचे रहेगी तो आप अंडर यूज़ करेंगे, समझ में आया, क्लियर है। जैसे अब आप लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उस पर लेवल आता है, पोजीशन आता है, रैंक आती है, ठीक है। अस्तर, अस्तर हिंदी में अस्तर कहते हैं, जैसे आप बोलते हैं वो मेरे उसका लेवल डाउन है, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं आई है, उसका रैंक अच्छा नहीं आया है, बोलते हैं ना। जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जाते हैं तो अक्सर जब आप अपना रिज़ल्ट देखते हैं तो इन दोनों वर्ड्स के ज़रिए आप अपना पोजीशन और अपनी रैंक बताते हैं, यानी आपका स्तर कितना है। और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप लेवल देखते हैं कि किस लेवल का एग्ज़ाम है, समझ में आया। तो आगे, तो जब ये चीज़ आएगा तो आप वहाँ पर बिलो यूज़ करते हैं, मतलब नीचे, ठीक है, या ऊपर, ठीक है, सॉरी नीचे, बिलो, नीचे होगा।
द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल, नदी जो है डेंजर खतरे के स्तर से बिलो नीचे है, ठीक है। फिर यहाँ पर है द रैट हिड अंडर द टेबल जस्ट लाइक दिस, रिमेंबर इट, आई टोल्ड यू बिफोर, द रैट हाइड अंडर द टेबल, हिड मतलब छुपना, नीचे छुपा है। मान लीजिए ये स्लीपर ना होकर के चूहा है और ये टेबल के नीचे छुपा है, तो आप यहाँ पर अंडर यूज़ करेंगे, ठीक है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है, सतह पर है, इस वजह से ऑन, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अबव मतलब भी ऊपर होता है और ओवर मतलब भी ऊपर होता है, ठीक है। तो ओवर और अबव कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप किसी कमरे में होंगे, कमरे में अपने रूम में, ठीक है, जब आप किसी कमरे में होंगे तो वहाँ जैसे फ़ैन चलता है तो वो अबव होगा। देयर इज़ अ फैन अबव माई हेड, मतलब पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ों को आपके सर को ना छूती हों, ठीक है, जो चीज़ें आपके सर के ऊपर हों लेकिन आपको छूती ना हो, आप नीचे से पंखे को छू नहीं पाओगे डायरेक्ट। जब तक आप किसी स्टूल कुर्सी का यूज़ नहीं करोगे तब तक आप उसको छू नहीं पाओगे, आप सिर्फ स्विच बोर्ड में स्विच ऑन कर सकते हो, आप पंखे को डायरेक्टली छू नहीं पा रहे हो। यानी कि जब आप किसी चीज़ को ऊपर है, जो आपके ऊपर है और आपके छू, आप उसको छू नहीं पा रहे, आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो, तब आप अबव और ओवर ये दो वर्ड आप यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने कोई बुक अपने वो सर पे रखोगे और उसको छू लोगे तब आप क्या यूज़ करोगे, कुछ आइडिया है, सोच के बताइएगा। देयर इज अ फैन अबव माई हेड, ठीक है, मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, पंखा जो है सर के ऊपर है, ठीक है। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, मतलब ये जो ओवर है ये पूरा एक आपका वातावरण है, जो आवरण, कवरिंग मतलब आवरण, ठीक है, ये पूरा आवरण है ना, मतलब पूरा आसमान पूरा खुला खुला है, ठीक है। आप एरोप्लेन भी नहीं छू सकते हो, वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, आप टेबल कुर्सी कुछ भी लगा लो नहीं छू सकते हो। तो वहाँ पर आप एरोप्लेन जब यूज़ करोगे तो वो द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग, ठीक है। आगे देखें, जब आवरण आएगा यानी कवरिंग जब कहीं आएगी, जैसे कवरिंग तो यहाँ भी है, रूम है पूरा कवर है, ओवर अबव है आप छू नहीं सकते हो, ओवर है इसको भी आप छू नहीं सकते हो, ये रूम की कवरिंग है और ये पूरे आवरण आपके पूरे वातावरण की कवरिंग है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, रूल 5, कंटेंट इन बाउंड्री इन मोशन इनटू। अब ये क्या है, कंटेंट इन, ठीक है, कंटेंट इन बाउंड्री इन मोशन इनटू। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कहना क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कंटेंट इन बाउंड्री इन, सॉरी बाउंड्री इन मोशन इनटू, ठीक है। तो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर आपको हम यहाँ थोड़ा क्लियर करेंगे, क्योंकि यहाँ एक माइनर सी चीज़ है जो आपको क्लियर करनी है, ठीक है। देयर इज सम टी इन द पॉट, आप इनटू द पॉट नहीं कहेंगे, ठीक है। देयर इज सम टी इन द पॉट, बर्तन में थोड़ी सी चाय है, ठीक है। द बॉयज टेक देयर lessons इन द शेड ऑफ ट्री, इन द शेड ऑफ ट्री। आई पॉर सम वाटर इनटू द ग्लास, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखिए, आप इसमें चाय डाल चुके हो, आप इसमें चाय डाल चुके हो
और चाय पीने के बाद थोड़ी सी छोड़ चुके हो, इसलिए उसमें थोड़ी सी चाय है। और यहाँ पर आई पॉर सम वाटर इनटू द ग्लास, आप ग्लास में पानी डाल रहे हो। जब आप पानी डालोगे तो उसको पॉरिंग कहते हैं, ठीक है। आप ग्लास में पानी डाल रहे हो तो वहाँ पर इनटू है। जैसे कहते हैं आई जंप्ड इनटू द रिवर, पानी में कूद गया या नदी में कूद गया, ठीक है। लुक इनटू माय आईज, मेरी आँखों में देखो। जब आप किसी चीज़ में इंट्री लोगे, ठीक है, आप उस चीज़ में इंट्री कराओगे या इंट्री लोगे, ठीक है, जिसमें आप अंदर जा रहे हो, तो आप वहाँ पर इंटू यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप इंटर्ड लिखोगे, यहाँ पर लिखा है ही इंटर्ड इंटू द रूम, तब आप यहाँ पर इंटू यूज़ नहीं करोगे। ये मिसप्रिंट है, सॉरी, यहाँ पर आप इंटू यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि ये इंटर जो है यहाँ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगा। अगर यहाँ पर इंटर्ड लिखा है, वहाँ इंटू यूज़ नहीं होगा। जब आप लिखोगे ही इंटर्ड द रूम, वह रूम में प्रवेश किया, ठीक है, वहाँ पर आप इंटर्ड का सेंस में ही में आ जा रहा है, ठीक है, इंटर्ड के सेंस में प्रवेश में ही आ जा रहा है में, ठीक है। लेकिन जब आप कहोगे आई वेंट इनटू द रूम, तब आप यूज़ करोगे इनटू। जब आप इंट्री लगाओगे एक किसी पर्सन की या खुद की, आई इंटर्ड द रूम कहोगे आप, आई अगर यहाँ इंटर्ड लिख देते हो तो आप वहाँ पर इंटू यूज़ नहीं करोगे, ना आप इन यूज़ करोगे, क्योंकि इंटर्ड में ही आपका इन समाहित है, ठीक है। आप वहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन इंटर के साथ यूज़ नहीं करोगे, इतना आप ध्यान रखोगे। आप जब भी यूज़ करोगे तो आप वेंट के साथ यूज़ करोगे, मतलब वहाँ इंटर्ड वर्ड नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी वर्ड क्यों ना हो। समझ में आया? आप इंटर्ड कर रहे, आप इंट्री रूम में लोगे कि कोई अगर पर्सन इंट्री लेता है रूम में तो वहाँ पर इंटू यूज़ नहीं होगा। बट अगर आप कोई डाटा, जब आप कोई फाइल शेयर करते हो फ़ोन टू फ़ोन या लैपी टू लैपी, ठीक है, लैपटॉप, तो आप इंटू यूज़ करोगे। जब कोई आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो किसी फ़ोन के थ्रू, किसी फ़ोन में या किसी लैपटॉप के थ्रू किसी लैपटॉप में, तब आप जो डाटा इंट्री कराओगे वो इंटू होगा, ठीक है। जब आप कोई डाटा इंट्री कराओगे किसी फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, तो वहाँ इंट्री होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। आप जीती जागती थिंग हो, लिविंग थिंग हो, ठीक है। आप जब किसी कमरे में इंट्री लोगे तो वहाँ इंटर्ड होगा, ना आप वहाँ पे इन यूज़ करोगे ना इंटू यूज़ करोगे, ठीक है। जब आप आई वेंट इंटू द रूम कहोगे तब आप इंटू यूज़ करो, जब आप आई वेंट यूज़ करोगे तब वहाँ इंटू लगेगा, यहाँ इंटू नहीं होगा, यहाँ सिर्फ ही इंटर्ड द रूम होगा, ठीक है। आई इंटर्ड द रूम होगा, आई वेंट इंटू द रूम होगा। समझ में आया? क्लियर है? और लोग कहते हैं गेट इन द कार, गेट इन द रूम, समझ में आया, तो वहाँ पर आप इन लगाओगे। समझ पा रहे हो? ठीक है। अब रूल नंबर 6 देखते हैं, लार्जर एरियाज इन डिफिनेट लोकेशन एट, ठीक है। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई इंसान दिल्ली में रहता है, ठीक है, दिल्ली एक बहुत बड़ी जगह है, उसमें एक छोटी सी जगह है कनॉट प्लेस, मतलब दिल्ली के अंदर आता है ये, ठीक है। बड़े से चीज़ में जब छोटा सा चीज़ आ रहा है तो बड़े से चीज़ में आएगा इन और छोटी सी चीज़ में आएगा एट, ठीक है।
मतलब ही लिव्स इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस। अब यहाँ एट का सेंस मे से आता है, ठीक है, पर से नहीं, मे से आता है, और यहाँ भी इनका सेंस मे से आता है। तो ही लिव्स इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस। अब यहाँ मे पर में आपका मे आएगा, तो वह दिल्ली में कनॉट प्लेस में रहता है। द बस डिड नॉट स्टॉप एट द बस स्टॉप, मतलब अब यहाँ पर एट मतलब बस स्टॉप पर नहीं रुकी है बस। बस यहाँ खड़ी है तो स्टॉप यहाँ है ना, तो सरफेस एरिया तो है ही नहीं, तो ऑन तो होगा नहीं क्योंकि दूरी है, दूरी है ना, तो यहाँ पर इसलिए एट लगेगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। रूल नंबर 7, लास्ट टाइम ऑफ लास्ट लिमिट ऑफ टाइम वीक मंथ या सेंचुरी बाय प्लस एंड ऑफ वीक मंथ या सेंचुरी। एग्जांपल देखते हैं। द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इन द एंड ऑफ दिस मंथ नहीं आप यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर इन यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। गुड बैड एट फिक्स प्रीपोजिशन, ये दोनों वर्ड फिक्स होते हैं। जैसे आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी आती है, आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप हिंदी में अच्छे हो, आप हिस्ट्री में अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, आपका कोई गुण है, आपकी कोई खासियत है, तो वहां पर एट यूज होता है। समझ में आया? जैसे आपको बहुत कुछ आता हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आपकी हर एक्टिविटीज अच्छी हो, आपको आपकी कुकिंग स्किल्स एकदम नंबर वन हो, तो वहां पर आप एट यूज करेंगे। जैसे रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, रीता अच्छी है मैथमेटिक्स में ना कि पर। क्लियर है, यहाँ एट का सेंस है मे के लिए, ठीक है। रीता इज गुड एट मैथमेटिक्स, रीता गणित में अच्छी है। शी इज बैड एट कुकिंग, लो शी इज बैड एट कुकिंग, वो खाना बनाने में बुरी है, ठीक है, उसको खाना बनाना अच्छे से नहीं आता। तो यहाँ भी एट जो है मे के सेंस में है। क्लियर है। अब यहाँ पर लिखा है गुड, ये तो क्लियर हो गया, सॉरी। यहाँ पर लिखा है रूल 9, वेट फॉन्डनेस फॉर फिक्स प्रोपोजिशन, फिक्स प्रोपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, ये मिस प्रिंट है, ये फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। सरिता इज वेटिंग फॉर हर सन, फॉर आपका प्रीपोजिशन है, जैसे हमने कहा वहाँ पर फॉर का के लिए था और एक इसका सेंस निकलता है के लिए, ठीक है, के लिए। तो सरिता इंतज़ार कर रही है अपने बेटे का, ठीक है, सरिता वेट कर रही है अपने बेटे का, किसका इंतज़ार कर रही है, अपने बेटे का। तो सरिता अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, फॉर इंतज़ार कर रही है, सरिता अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, सरिता अपने बेटे के लिए इंतज़ार कर रही है, ठीक है। अब आते हैं थोड़े इमोशंस पे, जैसे फॉन्ड, शौकीन होना, किसी चीज़ से ईर्ष्या करना, जलन रखना, ठीक है, रिमाइंड ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन। जैसे आप किसी चीज़ को लेके आपको शौक हो, पढ़ने का शौक हो, लिखने का शौक हो, गाने का शौक हो, जब आप कुछ खाने का शौक हो, तो वो इमोशन आपका शौक जो है एक तरह का आपका इमोशन है, ठीक है। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ मैंगोज, वह आम खाने का शौकीन है या वह आमों का शौकीन है, ठीक है। ही इज़ जेलस ऑफ हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी से जलन ईर्ष्या रखता है, ठीक है। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रोमिस, मैं यहाँ पे आई विश टू रिमाइंड यू मतलब याद दिला रहा है वादे का, ठीक है,
ये इंसान इस इंसान को इन दोनों के बीच के वादे का याद दिला रहा है, रिमाइंड करा रहा है, ठीक है। क्रूल काइंड पे अटेंशन इनवाइट ओकेजन टू फिक्स प्रेपोजिशन, कैसे कैसे यूज़ करना है। द मास्टर इज़ वेरी क्रूल टू हिज सर्वेंट, जो मालिक है अपने नौकर के लिए बहुत क्रूरता व्यक्त करता है, तो वहाँ पे जो सर्वेंट है उसके पहले जो आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वो टू यूज़ होगा, के लिए, ठीक है, या के साथ, मतलब अपने जो उसका मालिक है अपने सर्वेंट के साथ बहुत क्रूरता व्यवहार करता है, और या तो फिर अपने वो नौकर के साथ बहुत क्रूरता के साथ व्यवहार करता है, ठीक है। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, ठीक है, प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पर, ठीक है, यहाँ टू पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आई इन्वाइट यू टू कम टू टी टमोरो, आई इन्वाइट यू कम टू टी टमोरो, चाय पर बुला रहा है, चाय पर, तो कोई चाय पर चलेगा तो नहीं, चाय पर नहीं चलेगा ना, तो सता है नहीं, तो आई इन्वाइट यू टू कम टू टी टमोरो, ठीक है, मतलब मैं तुम्हें चाय पर कल बुला रहा हूँ, चलने के लिए नहीं, पीने के लिए, ठीक है। तो आई इन्वाइट यू टू कम टू टी टमोरो, समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेरल, झगड़ा, झगड़ा अगर आप किसी आदमी के साथ कर रहे हो, ठीक है, झगड़ा अगर आप किसी आदमी के साथ कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ कर रहे हो, तो आप विद लगाओगे। अगर आप किसी बात पर हो रहा है, ठीक है, किसी बात पर झगड़ा हो रहा है, तो आप मैटर यूज़ करते हो, जैसे आप बोलते हो ना व्हाट्स द मैटर, बात क्या है, मतलब किस बात पर ये झगड़ा हो रहा है, व्हाट्स द मैटर। ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ, विद हिज वाइफ, ही क्वेरल्ड विद हिज वाइफ, मतलब अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है, वह अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया है, किसके साथ, बीवी के साथ, ठीक है, वह अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेरल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, कश्मीर जो है इसके ऊपर झगड़ा हो रहा है, और ये अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है। बीवी जो है उसकी लिविंग पर्सन है, ये एक नॉन लिविंग पर्सन है, एक प्लेस है, ठीक है, तो इसके ऊपर झगड़ा होगा और इसके साथ झगड़ा होगा, ठीक है। लुक एट, फॉर, आफ्टर और इनटू, हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं। लुक एट, मान लीजिए लिखा है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, ठीक है, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। लुक फॉर, ठीक है, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, तलाशना, ठीक है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, आई एम लुकिंग फॉर माई जैकेट, आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, आई एम लुकिंग फॉर माई सॉक्सेस, आई एम लुकिंग फॉर माई बुक, बोलते हो ना कि मैं अपनी बुक ढूंढ रहा हूँ, तलाश रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ है। लुक आफ्टर, देखभाल करना, टेकिंग केयर ऑफ, ये लुक आफ्टर जो है ये टेकिंग केयर ऑफ, वे आप बोलते हैं ना आई एम टेकिंग केयर ऑफ, आई एम लुकिंग आफ्टर, दैट्स द थिंग। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। लुक इन टू, लुक इन टू मतलब होता है, लुक इन टू मतलब होता है छानबीन करना, छानबीन करना, ठीक है, छानबीन करना, जैसे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो लुक इनटू कहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, समझ पा रहे हैं, तो लुक इनटू मतलब छानबीन करना। अब यहाँ पर लिखा है ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वो जॉब की छानबीन नहीं कर रहा है, वो जॉब ढूंढ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे सेंस आ रहा है, यहाँ पे छानबीन ढूंढना वही सेंस है, लेकिन अब आप इन्वेस्टिगेशन को आप थोड़ा सा क्रिमिनल सेंस में लेके जाओगे, ये थोड़ा पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वह एक जॉब की तलाश कर रहा है, वह एक जॉब को ढूंढ रहा है, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया था, मिस हो गया ये, लुक इन टू छानबीन करना, ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, तलाशना, ठीक है। ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब, वह एक जॉब, एक नौकरी ढूंढ रहा है, ठीक है, या एक नौकरी की देख में है, समझ में आया। लुक एट हिम, हिम हर द बोट, लुक एट हिम हर द बोट आ मी, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाई हिज आंट, लुक्ड आफ्टर देखभाल करना, ठीक है, लुक्ड आफ्टर देखभाल करना, लुक्ड आफ्टर देखभाल करना, ठीक है। प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो उसकी आंटी के द्वारा उसकी देखभाल की गई। द कमिटी इज लुकिंग इन टू द मैटर, मतलब वो क्वेरल, आपको सेंस याद आए कि झगड़ा जब किसी पर्सन के साथ हो रहा है तो वहाँ पर आप विद लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब झगड़ा किसी पर्सन के साथ होता है तो आप विद लगाते हो, लेकिन जब झगड़ा किसी बात पर होता है तब आप ओवर लगाओगे, समझ में आया। जैसे यहाँ पर कश्मीर जो है वो ओवर है, मैटर कर जो बात है वो कश्मीर के ऊपर है, इस वजह से झगड़ा कश्मीर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर कमिटी जो है वो मैटर यानी झगड़े की जो बात है, जो मसले की बात है, उस पे ध्यान दे रही है, उसकी छानबीन कर रही है, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। रूल 14, अफ्रेट, स्केयर्ड, फॉन्ट, ये ऑफ यूज़ होता है, ये जितने भी अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, शौकीन, जैसे कि हमने पढ़ा अभी शौकीन, ठीक है, तो इन सब के साथ ऑफ यूज़ करते हैं। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से नहीं डरता, यहाँ ऑफ का मतलब से है, वह कुत्तों से नहीं डरता है। आई नो माया इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मुझे पता है कि माया को मिठाइयों का शौक है, यहाँ का सेंस है, ठीक है। आपको बस हिंदी में उस चीज़ को ट्रांसलेट करना है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन का अच्छे से रूल्स के साथ यूज़ करना है, ठीक है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अब कंप्लेन है, तो कंप्लेन जो है आप कंप्लेन टू करते हो, आप कंप्लेंट अगेंस्ट करते हो, आप कंप्लेंट अबाउट करते हो, ठीक है। आप कंप्लेन करते हो से किसी के खिलाफ, ठीक है, या किसी के बारे में, क्लियर है। अब ये तीन कंडीशंस हैं, ये सारी कंडीशंस में आप कैसे कैसे क्या करते हो, जब आप किसी से कंप्लेन करोगे, ठीक है, तो द स्टूडेंट्स कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर छात्र जो है कंप्लेन किससे कर रहे हैं, प्रिंसिपल से, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द टीचर, अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ। अबाउट हिज बिहेवियर, किसके बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, यहाँ छात्र कंप्लेन कर रहे हैं प्रिंसिपल से, टू द प्रिंसिपल, अगेंस्ट द टीचर, टीचर के खिलाफ, अबाउट हिज मिसबिहेवियर, उनके व्यवहार के बारे में, ठीक है। जब आप किसी से कंप्लेन करोगे तो टू, किसी के खिलाफ करोगे तो अगेंस्ट, और किसी के बारे में करोगे तो अबाउट, ठीक है। तब आप कंप्लेन टू, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अबाउट करोगे, ठीक है। आई कंप्लेन टू हिम, मैंने उससे कंप्लेन की। आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम,
मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन की। आई कंप्लेंड अबाउट हिम, मैंने उसके बारे में कंप्लेन की। ये अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग जगहों पर आप अलग अलग प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। आप अब जैसे ऑन का मतलब भी पर है, एट का मतलब भी पर है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ सरफेस एरिया देखोगे। जब आप सरफेस एरिया देखोगे तो वहाँ पर लगेगा, जहाँ सरफेस एरिया नहीं होगा वहाँ पर आप एट लगाओगे। ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद करिए। आज की प्रीपोजिशन की क्लास यहीं तक रहेगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको शुरू करने से पहले इसको एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, आई होप क्लास समझ में आई होगी, और थैंक यू। अगर डाउट है तो इस वीडियो को एक आध बार और देख लीजिएगा।